एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकैबुलरी का चैप्टर नंबर 4 हमने कर लिया था, वर्ड्स फॉर मैच्योर माइंड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। तो आपके पास बुक हो तो बुक निकाल के बैठ जाइए और कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाइए और मेरे साथ नोट करते रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टिशियन। ऑब्स्टिशियन क्या होता है? ऑब्स्टिशियन होता है ए फिजिशियन स्पेशलाइजिंग इन द ऑब्स्टिक्स। ए फिजिशियन स्पेशलाइजिंग इन द ऑब्स्टिक्स। ऑब्स्टिक्स क्या होता है? ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टमार्टम पीरियड। क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिक्स हो जाएगा ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी से डील करती है, चाइल्ड बर्थ से एंड पोस्टमार्टम पीरियड से जो डील करेगी लेडी के, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑब्स्टिक्स, ठीक है? चलिए ऑब्स्टिक्स, या फिर आप कह सकते हो ए डॉक्टर हु प्रोवाइड्स केयर एंड हु डिलीवर बेबी एंड टेक केयर ऑफ द प्रेगनेंट लेडी। ए डॉक्टर हु प्रोवाइड्स केयर एंड हु डिलीवर्स बेबी एंड टेक केयर ऑफ द प्रेगनेंट लेडी, वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा ऑब्स्टिशियन। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन क्या होता है? ए डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। ए डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, वो क्या हो जाएगा हमारा पेडियाट्रिशियन। ए पेडियाट्रिशियन इज ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर द ऑब्स्टिशियन। तो पेडियाट्रिशियन क्या होता है? पेडियाट्रिशियन वो डॉक्टर होता है जो ऑब्स्टिशियन के बाद बच्चे की देखभाल करता है। जैसे कि पेडियाट्रिशियन मतलब कि जैसे आप समझ सकते हो, जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई उसके बाद जब तक वो बच्चा 18 साल का 21 साल का नहीं हो जाता, एक अडल्ट नहीं हो जाता, तब तक उस बच्चे की जो देखभाल करता है उसको कहेंगे पेडियाट्रिशियन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और पोडियाट्रिस्ट को हम कहते हैं चिरोपोडी। चिरोपोडी भी हम इसको कहते हैं। पोडियाट्रिस्ट क्या होता है आप देखते हैं, ए पीरियड क्वालिफाइड टू डायग्नोज एंड ट्रीट फूट डिसऑर्डर्स। ए पीरियड ए पर्सन क्वालिफाइड टू डायग्नोज एंड ट्रीट फूट डिसऑर्डर, वो क्या हो जाएगा हमारा? पोडियाट्रिस्ट हो जाएगा। पोडियाट्रिस्ट क्या होता है? ए पर्सन क्वालिफाइड टू डायग्नोज एंड ट्रीट फूड डिसऑर्डर, जो फूड डिसऑर्डर को दिखेगा वो क्या हो जाएगा? पोडियाट्रिस्ट। या फिर आप कह सकते हैं स्पेशलाइजिंग इन ट्रीटिंग द फीट। स्पेशलाइजिंग इन ट्रीटिंग द फीट, वो क्या हो जाएगा हमारा? पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट क्या हो जाएगा आप देखते हैं, मतलब पोडियाट्रिस्ट होता है जो एंकल और जो फीट के सर्जन होते हैं ना, एंकल जो फूट के हमारे सर्जन होते हैं वो होते हैं हमारे पोडियाट्रिस्ट। देखो अब यहाँ पे पोडियाट्रिस्ट में लगा हमारा आईएसटी। अब देखो जहाँ पे भी आईएसटी लग जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? समवन हु प्रैक्टिस समथिंग, समवन हु प्रैक्टिस समथिंग। और यहाँ पे जो पीओडी, पीओडी यहाँ पे रूट लगा हुआ है, पीओडी का मतलब यहाँ पे फुट, फुट मतलब पैर, फुट वाला फुट, ठीक है? चलिए और जो हमारे यहाँ पे लिखो एक रूट और लगा हुआ है IATROS, IATRO, तो इसका मीनिंग होता है फिजिशियन। इसका मीनिंग क्या होता है? फिजिशियन होता है। तो पोडियाट्रिस्ट कौन सा डॉक्टर होगा? जो एंकल और जो फिट के सर्जन होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? पोडियाट्रिस्ट कहेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑस्टियोपाथ। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टियोपाथ। ऑस्टियोपाथ क्या होता है? ए डॉक्टर ऑफ बोन्स बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स। ए डॉक्टर ऑफ बोन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स, जो बोन्स की डिस्प्लेसमेंट करता है वो क्या होता है हमारा? ऑस्टियोपाथ होता है। ए डॉक्टर हु ट्रीटिंग सम डिजीज एंड फिजिकल प्रॉब्लम बाय प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स एंड मसल्स। हम देखो ऑस्टियोपाथ हमारा क्या हो जाएगा? पहले हमने पढ़ा था पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट भी क्या था? फुट का डॉक्टर था। लेकिन ऑस्टियोपाथ क्या करेगा? जो ऑस्टियोपाथ होता है हमारा, वो डॉक्टर क्या करता है हमारा, जैसे जो हमारी हड्डियाँ होती है, जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको दबाकर या हिलाकर जो चिकित्सा करता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा ऑस्टियोपाथ होता है। ये भी क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि डॉक्टर ऑफ फुट है। पोडियाट्रिस्ट भी हमारा क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फुट होता है। लेकिन जो हमारा ऑस्टियोपाथ होता है वो क्या करेगा? जो हमारी हड्डियाँ हैं मांसपेशियाँ उनको दबाकर या हिलाकर जो चिकित्सा करता है वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा ऑस्टियोपाथ। और जो हमारा पोडियाट्रिस्ट होता है वो क्या करेगा? जो स्पेशली जो एंकल और जो फिट का सर्जन होता है ना वो होता हमारा, वो होता हमारा पेडियाट्रिस्ट। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये वर्ड। चलिए देख लीजिए हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट होता है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन आई एंड विजन केयर। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन आई एंड विजन केयर का जो स्पेशलाइजेस होता है, जो होता है एकदम विशेषज्ञ होता है आप कह सकते हो, तो वो क्या होता है हमारा? ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट होता है। अब ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट में क्या हो जाएगा? जैसे कि ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट में आ जाएगा हमारा जो हमारी सर्जिकल आई देखता है, मतलब जो आंखों की सर्जरी वगैरह करता है, विजन केयर जैसे कि
मेडिकल के आई केयर हो गया, जैसे कि ये ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा एंड ये हमारा ग्लूकोमा एंड जो हमारे केमिकल बर्न्स को देखता है, जो सर्जिकल आई केयर करता है, सर्जिकल आई केयर में जैसे कि हमारा ट्रोमा है, क्रोसडाई है, कॉन्टैक्ट्स है, सॉरी कैटरेक्ट्स है, वही देखो ये ग्लूकोमा ही था, यहाँ पे ग्लूकोमा है। एंड जो अदर प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी है, टू रेज ड्रॉपी आईलिड्स और स्मूथ आउट रिंकल्स, मतलब ये इसको ये सारी प्रॉब्लम होती है, प्लास्टिक सर्जरी होगी और जो आँखों के अंदर की प्रॉब्लम है, बर्न्स है किसी भी तरह केमिकल बर्न्स है, ट्रोमा है, ग्लूकोमा है, तो इस तरह की डिजीज इसको होती है। जो इन सब डिजीज से डील करता है वो होता है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। चलिए स्टूडेंट समझ आ गया होगा, तो आज के लिए मैंने मैंने कराए हैं आपको 5 ही वर्ड, आप 5 वर्ड्स को रिवीजन कर लेना और आप लेसन 4 को भी रिवाइज करते रहना अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आप इन सब वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा चैनल को और कीजिएगा सब्सक्राइब और जुड़े रहिए मेरे साथ अच्छी अच्छी वोकैबुलरी पाने के लिए और वोकैबुलरी सीखने के लिए बेसिक से। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।